इतने मैंने इससे ली थी ना उसको खुशी से, और मेरे को ना बहुत ऐसा ये याद क्यों नहीं रहता, मतलब मैंने रखी लेकिन ना मैंने वो एक जगह पर रखी लेकिन वो जगह से किसी ने उसको। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैंने पहनी हुई ये व्हाइट वाला ड्रेस, ये दुपट्टा और ये चूड़िया। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मैं जा रही हूँ रील्स वीडियो शूट करने के लिए समीर के साथ में। ईजान अपने दादी के पास ही रहेगा, मैं जाकर आती हूँ और देखती हूँ अभी कहाँ पे कौन सा लोकेशन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना हमको बहुत मुश्किल होती है लोकेशन ढूंढने में वीडियोस के लिए। तो अभी बाहर निकलते देखते हैं, और उजाले में ही थोड़े बहुत बनाने हैं। तो हमारे रील्स वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते जाओ गाइस। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करो पहले, फिर आपको देखने मिलेंगे। तो ये अभी मैं आ गई हूँ नीचे और ईजान को छोड़ के आए ऊपर ही, अब वो रोना ले इसके लिए। हम लोग पहले मैं आई उसके बाद फिर समीर आए पीछे से, अभी वो बाइक निकाल रहे हैं वहाँ पर। ये हमारे नीचे की लेन है। तो ये अभी हम चल पड़े हैं अपने सफर पे, रास्ते में ही मिल जाएगा, मिल जाएगा, पर यहाँ पर भी आके रहेंगे। बहुत सारे रील्स हमारे बन गए। हम दोपहर में आए थे गार्डन में, हमें लगा बंद होगा लेकिन लकीली ओपन था, तो फ्लैग को हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि हम नीचे नहीं रख सकते फ्लैग को, पैर में भी आता है इसीलिए इसको यहाँ पे रखा है। क्या बोले? वाइट ड्रेस है नीचे गंदा। और ये गार्डन हमारे घर से बहुत नज़दीक था और अभी आए तो अच्छा मिला भी है हमें। और वीडियोस तो बन गए हैं, बस अभी फोटो शूट करना है। मैं नींद में था, मेरे को नींद में से उठा के लाए हैं मैडम ने वीडियो फोटो शूट करने के लिए, और बहुत बहुत मेहनत से फरा ने देखी है ये। हाँ, जो टॉप दिख रहा है ना, ये खुद फरा ने बनाया है घर पे। मेरे अम्मी मैं इतने शौक हो गए कि क्या कर रही है फरा, बेडरूम से बाहर क्यों नहीं आ रहे, जाके देखे तो ये टॉप इन्होंने सिलाया, बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छा लग रहा है फरा। चलो मेरे फोटोज निकालो पहले। फरा को अभी अपने खुद के ड्रेसेस स्टिच करने का बहुत लगा है, ये देखिए अभी लेके बैठ गए। एक ड्रेस अभी उन्होंने सिया ना अच्छा, तो अभी ये दूसरा भी लेकर आए थे, उसको भी अभी कटिंग चल। और ये ईजान देखिए फरा की पर्स लेके कैसे सब उसमें से निकाल के फेंक रहा है, और मेरे वॉलेट भी देखे कैसे वहाँ पर फेंका है, पता नहीं कब लिया था वो, मैं भी अभी देख रहा हूँ वो वहाँ पर कैसे फेंका है देखे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज हमें जाना था मिलिट्री एरिया में क्योंकि आज है 15 अगस्त, लेकिन आज सुबह से ही बारिश देखे कितनी ज़ोर में है। डेली तो बारिश नहीं थी लेकिन आज पता नहीं बारिश को क्या हो गया, आज स्टार्ट हो गई, हुआ ही नहीं हमें जाने का। और हमने ईजान के लिए भी कपड़े लिए हैं, उसको भी पहना के हमें बाहर लेके जाने का था, लेकिन पता नहीं आज तो गार्डन में भी नहीं जा सकते कि ईजान को लेके जाके हम वहाँ पर वीडियोज़ बनाए, क्योंकि अभी गार्डन भी पूरा गीला हो जाएगा। देखते अगर रुकती है तो ऊपर टेरेस पर ही जाते हैं। कबूतर देखे कैसे मज़े ले रहे हैं बारिश का, क्योंकि बारिश बहुत दिन से स्टॉप थी, नहीं आ रही थी, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। देखे कैसे अच्छे से नहा रहे हैं अभी वो। बारिश तो आज कुछ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सुबह से कंटिन्यू है, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गई, देखे कितनी जोर में आ रही है। बाहर भी जाना है, कुछ काम है, लेकिन पता नहीं अभी आज बारिश अचानक से, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू माई यूट्यूब फैमिली। आज हमारा बहुत बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, फिर भी मैं आपको हंस के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मूड ख़राब इसलिए हुआ है क्योंकि 14 अगस्त को रात के 9:30 बजे हम जाके ईजान के लिए शॉपिंग किए थे 15 अगस्त के लिए, लेकिन जो जो हमने ईजान के लिए लिए थे, जैसे कि टी शर्ट लिया हमने, पैंट लिया था, हमने सोचा कि ईजान को थोड़ा अच्छे से रेडी करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे। एक तो सुबह उठने के साथ में बारिश ने मूड ख़राब किया, और अभी जब बारिश रुका है बाहर जाने का सोचा तो वो जो बैग थी ईजान की जो शॉपिंग की थी, पता नहीं वो कहाँ है, मिल नहीं रही है। पूरा 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 घर हमने चेक किया मैंने और फरा ने, लेकिन नहीं मिल रही है, एक चीज़ नहीं मिल रही है ईजान की। हम इतने ज़्यादा अपसेट हुए ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, खुद पे भी आ रहा है, फरा पे भी आ रहा है कि हमने रखा कहा, क्योंकि याद क्यों नहीं आ रहा है। और हमें लग रहा है कि अम्मी ने रखा या अब्बा ने उठा के रखा, उन दोनों को भी कॉल कर रहे हैं लेकिन वो गए हैं डी मार्ट को मेरे खाला के साथ में, तो उनका भी फ़ोन लग नहीं रहा है। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, शायद उन्होंने उठा के रखा होगा, लेकिन अगर वो भी रखेंगे तो कहाँ, घर में रखेंगे। लेकिन पूरा घर हमने चेक किया, हर एक चीज़ जगह जहाँ पे हम रखते हैं, लेकिन नहीं मिल रही। क्या गलती से उन्होंने फेंक दिया, मेरे को कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारे जो मेड है झाड़ू मारने के टाइम, उन्होंने शायद टीवी यूनिट के ऊपर कभी हम रखते हैं वहाँ पर, क्या उन्होंने फेंका है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया अभी,
ईजान को मैंने बहुत सोचा था कि मैं ईजान बहुत अच्छा लगेगा उसमें, एक बार मैं आप सभी को भी दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे मूड ख़राब होगा नहीं सोचा था। बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन एक काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए जाना पड़ रहा है, इसीलिए अभी ईजान को दूसरे कपड़े फरा पहना रहे हैं। फरा का भी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, मैं कब से उनको बोल रहा हूँ चलो जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे मेरा मन ही नहीं है बाहर जाने का। सही है, हमने इतने दिल से अपने बच्चे के लिए शॉपिंग किए थे कि हम उसको आज अच्छे से रेडी करेंगे, ऐसा हो गया, किसको पता था कि ऐसे हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है वो है घर में, लेकिन अब कहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कल या परसों हम पहनाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो आज के दिन में है, देखते हैं। अभी जाके मुझे फरा को वापस से मनाना पड़ा, उनका तो थोड़ा भी मूड नहीं था, मुझे लगा कि वो बेडरूम में ईजान को रेडी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो जाके लेट गए थे। मैंने फिर उनको समझाया चलो अभी, क्योंकि उनका वो तो बहुत दिल से किए थे यार फरन थे शॉपिंग, मैं उस टाइम कंटाल कर रहा था बाहर जाने के, लेकिन वो मुझे लेकर गए, नहीं नहीं मुझे ईजान को लेना ही है, तो खा रखा यार पूरा, बहुत ज़्यादा हमने ढूंढा, वो भी थक गए ढूंढ ढूंढ के, मैं भी थक गया, लेकिन नहीं मिल रहा है। ये आज के दिन ही ऐसा होना था यार, कितना दिल था हमारा हमारे बच्चे को वो कपड़े पहनाने का, अपन अपनी भी गलती है कि कहाँ रखा है हमने, याद भी नहीं आ रहा है, हर बार जहाँ पे रहती है चीज़ें वहाँ पे रहती है, लेकिन अभी नहीं मिल रही, तो आई थिंक ऐसे ही होगा, तो गलती से फेंक दिया होगा कचरा समझ के किसी ने, वो बैग में था, एक छोटी कैरी बैग रहती है ना बड़ी वाली, वैसे उसमें था, तो आई थिंक या तो फिर मेड ने, हम दोनों तो नहीं फेंकते क्योंकि हमें पता है कि हम लेकर आए हैं, वो या तो गलती से उन लोगों ने फेंका है, या फिर गलती से, या तो फिर घर पे ही है हमें मिल नहीं रहा है, वो दो में से एक तो हुआ है, लेकिन घर पे तो हमने पूरा ढूंढा कहीं मिल नहीं रहा है। अच्छा अम्मी अब्बा को फ़ोन जल्दी से लगे ताकि उनको पूछूं, ताकि उन्होंने कहीं उठा के रखा होगा। ईजान का अभी बिल्कुल मूड नहीं है बाहर जाने का, वो खुद बोल रहा है कि मेरी शॉपिंग किए थे तुमने, वो कपड़े क्यों नहीं पहनाए मुझे तुमने, अभी इसको क्या बोले कि वो गलती से हमारे से घूम गए हैं घर में, सॉरी ईजान, मजबूरन ये ईजान को आज ये कपड़े पहनाने पड़े, पैंट तो यही है, देखे पैंट हमने यही सोचा था पहनाएंगे, और टी शर्ट और भी बहुत सारे चीज़ें थे, बट पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चलो जाएंगे। रुको रुको रुको, शूज़ कहाँ पे, शूज़ और एक शूज़ किधर है, ऐसा कहाँ पे, किधर है शूज़, हाँ इधर है, चलो आ जाओ शूज़ पहनाओ, आओ इधर, चलो बोलो सभी को, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। अम्मी से भी बात हो गई फरा, वो भी बोल रहे हैं कि उनको भी नहीं पता, तो या फिर हमने ही कहीं रखा है अभी, हाँ ओए। हाँ ये हो गए हैं हम लोग रेडी, अभी जाते हैं, थोड़ा काम है, किराना वगैरह लेना है। सच में समीर ने जैसे बोले ना, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, इतने मैंने इससे ली थी ना उसको खुशी से, और मेरे को ना बहुत ऐसा ये याद क्यों नहीं रहता, मतलब मैंने रखी लेकिन ना मैंने वो एक जगह पर रखी, लेकिन वो जगह से किसी ने उसको हिलाया है ये मैं तो गारंटी देती, वरना मैं ऐसा भूलती नहीं हूँ। या हो सकता है मैंने ही कहीं रखा है, या तो हो सकता है फौरन ने कहीं रखा है, या तो हो सकता है अम्मी अब्बा ने कहीं रखा है, पर घर पे ही है वो, ये तो कंफर्म हो गया है कि वो बाहर कहीं ही फेंका नहीं है, घर पे ही है, लेकिन मिलेगा। ये हम आए हैं यहाँ पे खाने का सामान लेने के लिए, यहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है, लकीली आज जल्दी मिला, फिर भी देखिए अंदर कितनी ज़्यादा पब्लिक है, वरना लाइन ना पूरा बाहर तक रहती है, रोड पे वहाँ तक लग रहती है, फिर भी फरा भी लाइन में ही रुके हैं, ये अंकल के बाद हमें अंदर जाना है, ऑलरेडी अंदर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी हम आए हैं नाना पेट में, क्या क्या लिया नहीं ना, अभी जैसे बोला था ना गाइस, में तो बाहर देखे लाइन कितनी बड़ी लाइन अभी लग चुकी है, अच्छा हो गया हम जल्दी अंदर आए, वरना हमें भी लाइन में रुकना पड़ा होता है ना फरो, हाँ ले लो ना देखो टेस्ट करके। ओ बाहर आने के बाद हमारा मूड ठीक हो गया है ना इधर बोलो, बाहर आने के बाद हमारा मूड ठीक हो गया, अभी हमें अच्छा लग रहा है, घर में अभी अच्छा नहीं लग रहा था है ना, बोलो अभी यहाँ पे देखिए हम मम्मा से आता रही है, थोड़ा भी मूड नहीं था मम्मा का।
इधर देखो बलून आ गए, बलून आए, चलो ईजान बलून। ये मेरे को खिलाओ मम्मा, मुझे भी खिलाओ, चल मम्मा को अबू को भी खिलाओ। हाँ अच्छा है, अच्छा है, बोलो अच्छा है, अच्छा है। वहाँ से हम चले गए सीधा डी मार्ट में और रिजान की भी नींद हो गई है क्योंकि नाना पेट से कैंप को गए, कैंप से फिर सीधा हम चले गए हमारे डी मार्ट पे। और अभी देखिए रिजान उठ गए हैं, फ्रेश भी हो गया, मैं उसी के साथ अभी खेल रहा हूँ यहाँ पे ताकि उसको अच्छा लगे, वरना वो नींद में से उठता है ना कभी कभी उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो उसको गाड़ी पर बिठा दिया, वो भी सोच रहा है कि मैं कहाँ गाड़ी पर सोया था और उसके बाद कहाँ यहाँ पर आ गया। चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, चली गाड़ी। क्या हुआ? फाइनली गाइज हम घर पे आ गए हैं। एक तो घर से जाने के टाइम इतना ज्यादा टेंशन था, टेंशन में हम सबसे पहले गए वेफर्स लेने के लिए। अभी कौन ऐसे करता है, बोले इतनी हमारे को पहले टेंशन था, मतलब तो हमारा मूड टेंशन नहीं, मतलब हमारा मूड आज बोलता हूँ मैं, इतना मूड खराब होने के बाद भी हम कहाँ कहाँ गए, कितनी ज्यादा शॉपिंग की हमने आज, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। मिठाई क्या बोलते हैं उसका नाम क्या था, रिमझिम पेड़ा, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो लेने के गए। उसके बाद डोसा खाए, उसके बाद पानी पूरी भी खाना था। देखिए सोचिए ऐसी मूड ऑफ में भी हम कितना बाहर जाके अपना मूड अच्छा करते हैं, अगर खाने मिला ना अपने को तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। उसके बाद वहां से थक के घर पे नहीं आए, सीधा आउट डीमार्ट चले गए। हम डीमार्ट लेके इतना सारा सामान लेके आए, देखो वहां पे कितना भी आपका मूड खराब क्यों ना हो, अगर आप बाहर जाके खाओगे पियोगे घूमोगे शॉपिंग करोगे तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। यही एक रीज़न था मैं इनको आज फोर्स करके बाहर लेके गया, क्योंकि मुझे पता था अगर घर पे रहेंगे तो बार बार वही बात पे हम सोचते बैठ के ना ये करेंगे। हाँ अभी 9:30 हो गए हैं, अम्मी अब्बा भी आएंगे अभी, और ये देखिए आज कितना ज़्यादा खुश है ईजान, इसका भी मूड ठीक हो गया, वरना ये तो हम पे बहुत ज़्यादा चिढ़ा था कि इतनी शॉपिंग करके क्या फ़ायदा मेरे लिए जब मेरे को पीना नहीं रहे हो तुम, है ना, तेल के डब्बे के पीछे पड़ा ईजान। तो ऐसा होता है टेंशन में, आप लोगों को भी यही राय देंगे कि अगर आप लोगों को भी घर में है तो बहुत ज्यादा टेंशन होना, इसको क्या पता हम बात कर रहे हैं तो ज्यादा खुश हो रहा है। हाँ और किसके भी घर में टेंशन होना, आप लोग के घर में टेंशन होना, हाँ चलो तो आप लोगों के घर में भी अगर टेंशन होना तो सीधे से बाहर जाओ, खाओ पियो शॉपिंग करो मस्त में, अच्छा हो जाता है। अभी मेरे को थोड़ा भी टेंशन नहीं आ रहा, गया ना टी शर्ट, गया तो गया, पर मिलेगा एक ना एक दिन मिलेगा, जरूर आपको बताएंगे कि वो कहाँ था, बड़ा हो जाएगा और टी शर्ट छोटा रहेगा, फिर भी मिलेगा ना अपन घर में, पता चलेगा कि कहाँ छुप के बैठा है वो। तो चलिए गाइस आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय जान, बाय करो, बाय करो, बाय 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 बाय, चले गए नहीं बोलेंगे वरना आपका पूरा टाइम चला जाएगा, वरना पूरी रात हो जाएंगी वो बाय बोलने में।